देख रहे हैं KSN24 पल पल की खबर। नमस्कार, मैं हूं हिमानी सिंह और आप देख रहे हैं KSN24। KSN24 की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। एक जरूरी सूचना, बोलने एवं सुनने में असमर्थ रोगियों के लिए एक दिवसीय निशुल्क चिकित्सा शिविर 3 नवंबर दिन रविवार को आयोजित किया जा रहा है। शिविर में जन्म से या जन्म के बाद प्राकृतिक अथवा अन्य रोगजन्य कारणों से बोलने या सुनने में असमर्थ रोगी चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं। हम आपको बता दें कि शिविर में आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी, लेप एवं आयुर्वेदिक मर्म चिकित्सा द्वारा उपचार किया जाएगा। शिविर का पता है HIG 62 MP नगर, डॉक्टर दानी आई हॉस्पिटल के सामने, घंटाघर चौक, कोरबा। समय का ध्यान रखें, समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 9303541547 6263519411। पर्यावरण संरक्षण समिति लौरीसराय के तत्वाधान में पर्यावरण एवं बेटी संरक्षण को लेकर एक पौधा बेटी के नाम कार्यक्रम की सफलता को लेकर मुहिम तेज रफ्तार से चल रही है। मंच के जिला संयोजक अवधेश कुमार निराला ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि बेटा और बेटी में आज के जमाने में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने 100 वर्ष पुरानी आर्यवीर व्यायामशाला परिसर में आम, अशोक, नीम, अमरुद, जामुन का पेड़ लगाए। पौधे को कड़ी मेहनत के बीच संरक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पौधा और बेटी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेटी की आने से घर में खुशियां आती हैं, तो पौधे हमें स्वच्छ पर्यावरण देते हैं। पर्यावरण संरक्षण समिति लखीसराय के संयोजक अवधेश कुमार निराला ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने बेटी और जन्मदिन के अवसर पर पौधा लगाना चाहिए। बेटियों और पर्यावरण दोनों को बचाना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। उनके बिना मानव जीवन और पृथ्वी दोनों के लिए खतरा है। ये जुलाई के महीने में पर्यावरण संरक्षण समिति की ओर से पौधे वार्ड नंबर 19 कदमा घाट के नज़दीक सरकारी स्कूल के बगल में पर्यावरण युक्त लखीसराय बनाने के उद्देश्य से लगाया गया था। यहाँ पर पौधे को लगाया हुआ 3 से 4 महीने हो चुका है। 3 से 4 महीने तक यहाँ पौधे का संरक्षण किया जा रहा है। पौधे का संरक्षण करते हुए आपको ही मैं दिखाया पौधे की स्थिति और यहाँ के वार्ड नंबर 19 के नागरिकों का भी बहुत सहयोग है पौधे के संरक्षित में, और पर्यावरण समिति के सदस्यों का भी बहुत ही सहयोग है इस पौधे को संरक्षित करने में। और मैं लखीसराय की जनता, बिहार की जनता से भी अनुरोध करता हूँ कि आप भी पर्यावरण के उद्देश्य से आप अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाएं, उसे संरक्षित करें और पर्यावरण संरक्षण समिति को सहयोग प्रदान करें, जिससे पर्यावरण संरक्षण समिति आपके क्षेत्र को पर्यावरण युक्त बनाने में सफलता हासिल कर सके। KSN 24 के लिए लौरीसराय से राकेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।